ओम शांति ओम में आपने शाहरुख खान का वो डायलॉग तो सुना ही होगा कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। लेकिन साउथ अफ्रीकी क्रिकेट टीम के साथ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये अफ्रीकी टीम हमेशा से वर्ल्ड कप जीतने के लिए जी जान से कोशिश करती आई है, लेकिन अपने क्रिकेट खेलने की शुरुआत से लेकर अभी तक एक भी वर्ल्ड कप जीतने में नाकाम रही है। इसके पीछे की वजह बड़े आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट दौर में फेल हो जाने से लेकर डकवर्थ लुईस नियम की वजह से क्वालिफाई ना कर पाने जैसी सभी चीजें जिम्मेदार रही हैं। लेकिन इस बार वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही साउथ अफ्रीका की टीम वर्ल्ड कप से बाहर होती दिख रही है। आइए जानते हैं कैसे। साल 2023 में होने वाला 50 ओवर का वर्ल्ड कप 2011 की तरह ही भारत में खेला जाएगा, क्योंकि अफ्रीकन बोर्ड जल्द ही अपने देश में एक नई T20 लीग शुरू करने जा रहा है। ऐसे में साउथ अफ्रीकन बोर्ड ने कंगारूस के खिलाफ साल 2023 जनवरी के महीने में होने वाले 3 मैच की वनडे और टेस्ट मैच जैसी दोनों ही बड़ी सीरीज को कैंसिल कर दिया है, जिसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हाल ही में 13 जुलाई को किया गया था। ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि साउथ अफ्रीकन टीम के बड़े बड़े खिलाड़ी T20 सीरीज खेलने के लिए अवेलेबल रहे। क्रिकेट साउथ अफ्रीका IPL की तर्ज पर अपने देश में पैसा कमाने के लिए T20 लीग कराना चाहता है, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। अब आप कहेंगे कि भला एक सीरीज कैंसिल करने से वर्ल्ड कप में पहुंचने की संभावनाएं कैसे कम हो जाएंगी? तो इसका जवाब है कि इस वन डे सीरीज को खेलने से जीत और हार के आधार पर जो 30 पॉइंट्स अफ्रीकी टीम कमा सकती थी, जो उसके ICC वर्ल्ड कप 2023 सुपर लीग सीरीज के लिए सीधा क्वालिफाई करने में काफी काम आ सकते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई दौरा रद्द करने की वजह से वो ऐसा नहीं होगा। बता दें कि 2023 के वर्ल्ड कप में सुपर लीग पॉइंट्स टेबल में सिर्फ टॉप 8 टीमें क्वालिफाई कर पाएंगी, वहीं बाकी टीमों को इस वर्ल्ड कप में खेलने के लिए आपस में क्वालिफायर मैच खेलने पड़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि सुपर लीग में कौन सी टीम किस नंबर पर है। सबसे पहले इसमें वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड नंबर 1 पर है, इसके बाद नंबर 2 पर है बांग्लादेश, नंबर 3 पर अफगानिस्तान, नंबर 4 पर है पाकिस्तान, नंबर 5 पर न्यूजीलैंड, नंबर 6 पर वेस्ट इंडीज, नंबर 7 पर इंडिया और नंबर 8 पर ऑस्ट्रेलिया है। इस लिस्ट में साउथ अफ्रीका फिलहाल 11वें नंबर पर है, उससे पहले श्रीलंका और आयरलैंड जैसी टीम है। ऐसे में आप समझ ही गए होंगे कि टीम अब भारत में होने वाले टूर्नामेंट के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई नहीं कर पाएगी और उसे कई टीमों के साथ क्वालिफाइंग मैच खेलने पड़ेंगे। हालांकि साउथ अफ्रीका बोर्ड ने ICC से कैंसिल हुई सीरीज को एक बार फिर से शेड्यूल कराने की अपील की है, जिस पर ICC की मोहर लगना बाकी है, क्योंकि सभी टीमों का क्रिकेट कैलेंडर काफी पहले से फिक्स कर दिया जाता है जिसके हिसाब से वो मैच खेलती हैं। ऐसे में सीरीज फिर किसी और टाइम पर हो पाएगी, फिलहाल ऐसा मुश्किल नजर आ रहा है। आइए अब जानते हैं साउथ अफ्रीका में होने वाली इस T20 सीरीज के बारे में। क्रिकेट साउथ अफ्रीका अगले साल जनवरी से नई T20 लीग की शुरुआत कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस लीग में 6 टीम हिस्सा लेंगी, जिसे चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स, सनराइजर हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी के मालिकों ने खरीदा है। इसीलिए साउथ अफ्रीका में होने वाले इस लीग को मिनी IPL भी कहा जा रहा है। क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने इस लीग का हेड पूर्व साउथ अफ्रीकी कप्तान ग्रीम स्मिथ को बनाया है। साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड इस लीग को लेकर इतना ज्यादा डेडिकेटेड है कि उसने विश्व कप जैसे टूर्नामेंट को दांव पर लगा दिया है, जिसे कम से कम एक बार जीतना हर टीम का सपना होता है। आइए नजर डालते हैं साउथ अफ्रीका के वर्ल्ड में तय किए गए सफर को। साउथ अफ्रीकन क्रिकेट को वैसे तो टेस्ट टीम का दर्जा 1889 मिल गया था, लेकिन इस टीम को 20वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से पूरे 21 साल का बैन झेलना पड़ा था। यहाँ तक कि दक्षिण अफ्रीका ने अपना पहला विश्व कप साल 1975 में नहीं बल्कि 1992 में खेला था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका को क्रिकेट से बैन क्यों किया गया? आइए जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1970 से, जब ICC ने अफ्रीकन गवर्नमेंट की रंग भेद नीति की वजह से दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से बैन कर दिया। दक्षिण अफ्रीका सरकार की रंग भेद नीति में कुछ ऐसे नियम बनाए गए थे जिसने ICC को दुविधा में डाल दिया था। सरकार के इन नियमों के मुताबिक अफ्रीकन टीम में सिर्फ इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ ही खेलने की इजाजत थी। इसके साथ ही एक अजीब सी शर्त रखी गई थी, जिसमें विपक्षी टीम में भी गोरे खिलाड़ियों को खिलाने की बात की गई थी। वहीं ICC ने जब साउथ अफ्रीकन टीम को निलंबित कर दिया, इसके बाद कई बड़े बड़े खिलाड़ियों का भविष्य अधर में लटक गया और कई खिलाड़ियों का करियर खत्म हो गया। आखिरकार पूरे 21 साल बाद इस रंग भेद की नीति को खत्म कर दिया गया।
साल 1992 साउथ अफ्रीका ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली थी। सिडनी के मैदान में खेला जा रहा यह मैच बारिश की वजह से कई बार रोका गया। जब पहली बार खेल को रोका गया तो साउथ अफ्रीका के सामने 13 गेंदों पर 21 रनों का लक्ष्य था। 10 मिनट बाद जब खिलाड़ी मैदान पर लौटे तो स्क्रीन पर एक गेंद पर 21 रनों का लक्ष्य दिखा। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि साउथ अफ्रीका को लिमिटेड टाइम में 45 ओवर फेंक पाने के कारण लोएस्ट स्कोरिंग ओवर रेट नियम का शिकार होना पड़ा। इंग्लैंड के बनाए 6 विकेट पर 252 रन के स्कोर का साउथ अफ्रीका के धुरंधर खिलाड़ियों से सजी टीम जोरदार तरीके से पीछा कर रही थी, लेकिन बारिश ने साउथ अफ्रीका को इस वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। साल 1996 वर्ल्ड कप की बात की जाए तो पुरानी यादों को भूलकर एशियाई धरती पर इस टूर्नामेंट को जीतने के इरादे से उतरी। वर्ल्ड कप में खेले अपने पहले मैच से लेकर क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने के सफर में इस टीम ने शानदार खेल दिखाया। अब सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इस टीम का मुकाबला वेस्टइंडीज से था। चूंकि मैच एशियाई धरती पर था इसीलिए हैंसी क्रोनिये ने 3 स्पिनर के साथ मैच में उतरने का फैसला किया, जो पूरी तरह से गलत साबित हुआ। वेस्टइंडीज के रुंदर बल्लेबाज ब्रायन लारा ने अफ्रीकन गेंदबाजों की बुरी तरह धुलाई कर 28 ओवर्स में 151 रन बटोरे और साउथ अफ्रीका को 264 रन का टारगेट दिया, जिसके जवाब में क्रोनिये की कप्तानी वाली टीम सिर्फ 245 रन ही बना सकी और वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। साल 1999 के वर्ल्ड कप में इस टीम ने भारत, श्रीलंका, केन्या के साथ इंग्लैंड को हराकर जबरदस्त शुरुआत की और सेमीफाइनल में बड़ी आसानी से जगह बना ली। 17 जून 1999 को बर्मिंघम के मैदान में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसी दो जबरदस्त टीमों के बीच मुकाबला था। इस बार भी अफ्रीकी टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो एक बार फिर गलत साबित हुआ। ऑस्ट्रेलिया के 213 रन के जवाब में अफ्रीकी टीम आखिरी ओवर में 1 रन से मैच हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। साल 2003 के वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 269 रन बनाए। जवाब में साउथ अफ्रीका बैटिंग करने उतरी तो डरबन के मैदान में काले बादल छा गए। डकवर्थ लुइस के हिसाब से अफ्रीकी टीम को जीतने के लिए 45 ओवर में 230 रन बनाने थे, लेकिन शॉन पॉलक और जॉन्टी रोड्स जैसे सितारों से सजी टीम सिर्फ 229 रन ही बना सकी और वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। इसी तरह साल 2007, 2011, 2015 और 2019 के वर्ल्ड कप में भी एक से एक धुरंधर खिलाड़ियों के टीम में होने के बावजूद भी ये टीम आज तक एक भी वर्ल्ड कप जीत पाने में नाकाम रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि साल 2023 में होने वाला वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका खेल पाएगा क्या? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जरूर बताएं।